Hello students, we have studied about Coulomb's law in our previous video. In that, we derived force for only two point charges. So what will be the force if there are n number of charges? So we will study it today in principle of superposition, which is also known as force due to discrete number of charges. Discrete, what is the meaning of discrete? Discrete matlab randomly oriented means किसी की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है चार्ज पार्टिकल्स की, कोई भी चार्ज किसी भी पोजीशन पर हो सकता है. नेक्स्ट वन इज फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और फोर्स ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस. ये चारों जो नेम्स हैं ये एक ही टॉपिक के हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स ड्यू टू डिस्क्रीट नंबर ऑफ चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और फोर्स ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस. तो चारों टॉपिक में से कोई भी नाम लिखाओ तो आपको यही टॉपिक करना है. तो इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है फॉर एन नंबर ऑफ चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस. तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टेटमेंट क्या है वो समझ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस एट रेस्ट इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस. क्या मतलब है इसका, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आपके क्लास में कोई एक स्टूडेंट आया, न्यू स्टूडेंट, इसे हम अज्यूम कर लेते हैं ये भी एक रेस्ट पे, ये एक पॉइंट चार्ज है जिसे हमने अज्यूम कर लिया ये भी रेस्ट पर है. और इसके आसपास बहुत सारे दूसरे चार्जेस हैं, मीन्स आप लोग हो, ये न्यू स्टूडेंट है, आप लोग पुराने हो, आप एक एक करके उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो. सपोज कोई उससे गया, उससे प्यार से उससे बात की, कहाँ से आए हो आप, जो भी ऐसे प्यार से बात की, उसके साथ लंच शेयर किया आपने, तो ओवरऑल हर कोई मिलके इसके ऊपर किसी ना किसी तरह का फोर्स लगा रहा है. कोई इसे टीज करेगा, हो सकता है कोई इसे कुछ सुना दे, हो सकता है कोई इसे प्यार से बात कर ले. तो इसके आसपास जितने भी चार्ज बॉडीज हैं वो सब इसके ऊपर कोई ना कोई क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी. और जो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, इन सब ने जो अलग अलग इसके ऊपर फोर्स लगाया है उस सबका सम. इस F नॉट के ऊपर टोटल जो फोर्स लगा, इस Q नॉट के ऊपर, वो किसके इक्वल लगा, जो वन ने इस पर फोर्स लगाया, जो टू ने इस पर फोर्स लगाया और जो थ्री ने, ये हमने फर्स्ट बॉडी अज्यूम कर ली है, सेकेंड और ये थर्ड. समझ में आया आपको एग्जांपल, कोई एक आपके पास आपकी क्लास में न्यू स्टूडेंट आया, न्यू बॉडी आई, उसे हमने अज्यूम कर लिया क्यू नॉट, और आप यहाँ पर पहले से हो. अभी हम तीन की ही बात कर रहे हैं, वन टू थ्री, किसी ने उससे प्यार से बात की, पूछा, किसी ने उसके साथ लंच शेयर किया, किसी ने उसको टीज किया, तो ओवरऑल उसके ऊपर कितना फोर्स लगा, उन सभी फोर्सेस का क्या कर देंगे, सम. तो ये बात हुई तीन की. सपोज ऐसे ही n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो तो ये नंबर हमारा कहां तक चला जाएगा, n तक. तो वही बात यहां पर ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे जो फोर्स है ड्यू टू अदर चार्जेस, बाकी सब चार्जेस की वजह से, वो किसके इक्वल होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस. उन सभी फोर्सेस का जो बाकी चार्जेस ने उस पर लगाया है उनका वेक्टर सम. वेक्टर सम मतलब सिंपल सम करना है, बट यहाँ हम फोर्स की बात कर रहे हैं और फोर्स की क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर, तो इसीलिए हमने बोल दिया वेक्टर सम. मतलब आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उन सबका. अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करते हैं, पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं और वही यहाँ पर राइट किया हुआ है. तो हमने वही बात, एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लिया क्यू नॉट, और इसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर नॉट, और ये रेस्ट पे ये नहीं देगा क्योंकि इसके ऊपर हमने फोर्स फाइंड आउट करना है. और बाकी सारे चार्जेस डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब रैंडमली ओरिएंटेड, आप अपनी मर्जी से कहीं भी क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री और गोस टू क्यू एन अज्यूम कर सकते हो. तो यहां हमने अज्यूम कर लिया एक क्यू वन चार्ज, ओके, और Q1 का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, R1 वेक्टर. अभी हम सिर्फ इन दो की ही बात करते हैं. अब इस Q1 ने Q0 पर फोर्स लगाना है क्योंकि ये तो कहीं जाएगा नहीं,
तो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा है कि अगर इसमें इसके ऊपर फोर्स लगाना है तो इसको इसकी ही तरफ जाना पड़ेगा। तो ये पोजीशन वेक्टर हमारा क्या बनेगा, R10। वन किसकी तरफ गया, जीरो की तरफ। तो ये पोजीशन वेक्टर हमारा बन जाएगा R10। और इसके ऊपर फोर्स किसके ऊपर लगा, क्यू नॉट के ऊपर। वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कोई उससे कैसे बात कर रहे हैं। और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, एफ नोट वन। एफ नोट वन मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू वन। बात समझ में आई। ऐसे ही हम अभी एक सेकंड चार्ज के लिए और रिज्यूम कर लेते हैं। क्यू टू चार्ज यहाँ है और इसका भी ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर है जो कि कितना है, आर टू। ये भी इस क्यू नोट पर फोर्स लगाना चाहता है तो ये इसके पास जाएगा। और इस पोजीशन वेक्टर को हम क्या अज्यूम करेंगे, R20, क्योंकि टू किसकी तरफ गया, जीरो की तरफ। बट फोर्स लगा किस पे बच्चों, जीरो पे। एफ नोट टू, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू टू। जिस पे फोर्स लगता है वो पहले आएगा और जो लगा रहा है वो बाद में आएगा। सिमिलरली आप Q3 कहीं भी अज्यूम कर सकते हो। यहां मैंने Q3 अज्यूम कर लिया, थोड़ा दूर पास ले लेते हैं। और इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हमने क्या ज़ूम कर लिया, R3। Q3 चार्ज है। सेम वही बात, ये इस क्यू नॉट पर फोर्स लगाना चाहता है तो इस डायरेक्शन में ये इसकी तरफ आएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R30। और फोर्स किस पे लगा, जीरो पे, किसकी वजह से, थ्री। तो ये बहुत खिचड़ी बन जाता है लास्ट में, तो आप ज्यादा के लिए नहीं बनाओगे, दो या ज्यादा से ज्यादा तीन। तो इतने चार्जेस के लिए हम फोर्स हमने ड्रॉ कर लिया। लेकिन अब इसे फॉर्मूले की टर्म में भी हमें राइट करना है, जो कि बहुत सिंपल है, हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार इसकी स्टेटमेंट हम राइट कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज Q1 Q2 Q3 गोज टू Qn आर सिचुएटेड एट पॉइंट विथ पोजिशन वैक्टर R1 R2 वैक्टर R3 वैक्टर गोज टू Rn वैक्टर। जैसे ही आप कितने भी आप Q1 Q2 Q3 Q4 Qn जितने भी आप चार्जेस अज्यूम करोगे उन सब के लिए जो पोजिशन वैक्टर होगा वो भी उनके अकॉर्डिंग होगा। Q1 के लिए पोजिशन वैक्टर होगा R1 वैक्टर, Q2 के लिए पोजिशन वैक्टर हो जाएगा R2 वैक्टर और Q3 के लिए R3 वैक्टर। और सभी वेक्टर हम कहां से लेंगे, ओरिजिन से, ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ। और सभी कौन से सिस्टम में लेने हैं हमें, XYZ। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फोर्स एफ नोट ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट एट आर नोट ड्यू टू ऑल एन डिस्क्रीट नंबर ऑफ चार्जेस कैन बी रिटन एज। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टेटमेंट आप पहले ही समझ चुके हो। क्या कह रहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि एफ नोट पे जो फोर्स लगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस, जो सभी चार्जेस ने उस पर फोर्स लगाया है, यानी एफ नोट वन प्लस एफ नोट टू प्लस एफ नोट थ्री गोज टू एफ नोट टेन। तो एफ नोट वन का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q1। और हम फोर्स का फॉर्मूला गुलाम सलाम में स्टडी कर चुके हैं। यहां पर बात हो रही है क्यू नोट और Q1 चार्जेस की, क्यू नोट और Q1। तो आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी क्यू नोट इनटू Q1 और अपॉन में क्या आएगा, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वेयर। तो डिस्टेंस क्या है, R10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वेयर। लेकिन ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये एफ नॉट वन का फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली एफ नॉट टू किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू टू के क्यू नॉट क्यू टू R20 यूनिट वेक्टर अपॉन R20 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर। सेम है बिल्कुल, जहां वन था वहां टू आ गया बस, और कोई चेंज नहीं हुआ। तो सिमिलरली एन के लिए क्या होना चाहिए, तो जहां वन टू चेंज हो रहा था वहां पर क्या आ जाएगा, एन के क्यू नोट क्यू एन R10 यूनिट वेक्टर अपॉन R10 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर।
बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इसे हम इस इक्वेशन वन में प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एफ नोट, एफ नोट वन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, के क्यू नोट क्यू वन आर वन जीरो यूनिट वैक्टर अपॉन आर वन जीरो वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर। एफ नोट टू की जगह के क्यू नोट क्यू टू आर टू जीरो यूनिट वैक्टर अपॉन आर टू जीरो वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, प्लस लास्ट जो वैल्यू है वो है एफ नॉट एन के लिए, यानी के क्यू नॉट क्यू एन आर एन जीरो यूनिट वेक्टर अपॉन आर एन जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इन सभी टर्म्स में से देखिए के क्यू नॉट को मना रहा है, यहाँ क्या बच जाएगा क्यू वन आर वन जीरो यूनिट वेक्टर अपॉन आर वन जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ क्यू टू आर टू जीरो यूनिट वेक्टर अपॉन आर टू जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस गोज टू क्यू एन अपॉन आर एन जीरो यूनिट वेक्टर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू आर एन जीरो यूनिट वेक्टर। तो सेम है, बस के क्यू नॉट इसमें से हमने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट आपको जो चीज समझनी है वो ध्यान से देखना, ये पूरी जो टर्म है बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी टर्म हम बार बार नहीं राइट करना चाहते, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने मैथमेटिक्स एक्सपर्टीज का यूज करेंगे। हम यहाँ पर बीच में देख रहे हैं कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव, बार बार क्या होगा सम इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में समेशन फॉर्म में राइट कर सकते हैं, आपने ये सिंबल पढ़ा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं समेशन। तो जब भी इस तरह की बहुत बड़ी सीरीज आ जाती है जिसमें बार बार सम हो रहा हो तो हम एक शॉर्ट सिंबल का यूज कर लेते हैं समेशन, और ये देखिए ये वाली वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, यही टर्म है, बस ये जो सिंबल है ये चेंज होते जा रहे हैं, पहले यहाँ दोनों जगह वन था और डिनोमिनेटर में भी वन था, फिर यहाँ टू हो गया तीनों जगह, फिर ऐसे ही सिमिलरली थ्री हो जाएगा तीनों जगह, ऐसे ही फोर और लास्ट में क्या हो जाएगा एन, मीन्स ये तीन सिंबल बार बार चेंज हो रहे हैं, तो इन तीनों सिंबल की जगह हमने क्या पुट कर दिया, देखिए क्यू आई आर आई जीरो यूनिट वेक्टर अपॉन आर आई जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आगे क्या लगा दिया समेशन, और आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है वन टू एन। एक बार फिर देखिए इस टर्म के अकॉर्डिंग हम आई की जगह क्या पुट करेंगे वन, कर दिया पुट वन, फिर सम करेंगे, फिर आई की जगह टू तीनों जगह, फिर सम करेंगे, फिर आई की जगह थ्री और फिर सम करेंगे, और ऐसा कब तक करते जाएंगे जब तक हम कहां तक नहीं पहुंच जाते एन तक। तो ये पूरी टर्म हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में बन गई, ये पूरी सीरीज को हमने इस शॉर्ट फॉर्म में राइट कर दिया, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसे और एलैबोरेट कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था के की जगह क्या पुट कर सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो नीचे स्क्वायर था तो यहां क्या हो जाएगा क्यू आर आई जीरो वेक्टर अपॉन आर आई जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यू। और भी इलैबोरेट कर सकते हैं हम, आर आई नॉट को हम क्या राइट कर सकते हैं आर नॉट माइनस आर आई, और अपॉन सेम आर आई नॉट वेक्टर को हम क्या राइट कर सकते हैं आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। This is enough for today.